ये 0238 की पेटी है। सोलह अप्रैल में इसमें आरएमडी चलाया गया था और 17 अप्रैल में इसकी मिट्टी उतारी गई थी। उसके बाद इसके दोनों साइड फर्टिलाइज़र दिया गया और फिर मीटर से पहले इसमें खाद डालकर पाटा लगाया था और उसके बाद पानी दिया गया। पानी के बाद इसमें कल्टीवेटर निकाला गया और एक रोटावेटर। उसके बाद अभी तक इसमें कोई खाद नहीं दिया गया। एक स्प्रे किया था इस पर NPK 19-19-19। ड्रिलिंग ज़्यादा हो चुकी इसमें, बहुत ही ज़्यादा, देखिए कहीं भी गैप नहीं है और कोई भी इसकी एक भी निराई नहीं हुई। अब मेरा विचार है इसमें थोड़ा सा एक बार हल्की सी डोज लगाकर हल्की मिट्टी लगाने का, ताकि जितना भी खरपतवार है वो सारा दब जाएगा। अभी इसमें कल्टीवेटर निकाल के छोड़ रखा है। RMD के काफी फायदे मिले हैं देखने को, क्योंकि इसमें बहुत कम फुटाव आने की उम्मीद थी, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका पहले छिल गया था तो उसमें फुटाव वगैरह नहीं आ रहा था। तब इसमें RMD चलाया और उसके बाद मिट्टी उतारी। मिट्टी इसकी थोड़ी गहरी उतार दी गई थी, जिससे जितनी भी पुरानी जड़ थी इसकी वो सारी टूट गई। मिट्टी उतारने के बाद फिर इसमें पाटा लगाया, जिससे जितना भी मिट्टी के बीच की जो लाइन बनी हुई थी, डोल बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी एक सार हो गई। और जैसे इसमें पानी दिया और जब ये बताव आया तब इसमें कल्टीवेटर निकाल दिया गया। कल्टीवेटर से फिर इसकी दोबारा गहरी जुताई हुई और एक रोटावेटर निकाल कर फिर दोबारा कल्टीवेटर निकाल के छोड़ रखा है। ये देखिए, पंद्रह दिन में ये बिल्कुल पत्ते एक धरती को ढक देंगे। RMD और मिट्टी उतारने के काफी फायदे मिले हैं, देखिए बिल्कुल जमीन के लेवल में हो चुका पूरा का पूरा खेत। अगर RMD ना चलाते तो ये बहुत ऊंचा होता। दूसरी बार में मिट्टी चढ़ाने में समस्या आती, हल्की मिट्टी लगती, अब इसमें पूरी मिट्टी लग जाएगी क्योंकि ये गुल नीचे हो गए, पल्ले भी काफ़ी स्वस्थ खड़े हैं और अभी तक इसमें कोई भी कीटनाशक नहीं दिया गया, जैसे कोरोजन या वर्टाको फर्टेरा। समय नहीं मिल पाया, अब विचार बनना है इसमें या तो कोरोजन की ड्रेंचिंग या फिर वर्टाको, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा इसको। ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ लेके चल रहा है।